यूपी उपचुनाव 2020 के बारे में बारीकी से जानने के लिए वीडियो में बने रहें आखिर तक, और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, यूपी में उपचुनाव की हलचलें तेज हैं। यहां 8 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 403 सदस्यों वाली विधानसभा में फिलहाल 395 विधायक हैं और 8 सीटें खाली हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने 7 सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया है। यूपी विधानसभा में 306 विधायक बीजेपी के और 9 उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल के हैं। यूपी सरकार को 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। यूपी विधानसभा के उपचुनाव में असली टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है। आपको बता दें, विधानसभा उपचुनाव बीजेपी और एसपी की अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। साथ ही मायावती भी सक्रिय दिख रही हैं। इससे उपचुनाव का मुकाबला रोचक बनता दिख रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 8 सीटों पर उपचुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। इससे पता चलेगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम से लोग खुश हैं या एसपी बीएसपी कांग्रेस के रूप में कोई बदलाव चाहते हैं। सियासी दलों ने अपने अपने पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के साथ यूपी की 7 सीटों पर उपचुनाव कराने का ऐलान किया है। हालांकि सुआर सीट पर अभी कोई फैसला नहीं हो सका है। हाई कोर्ट ने इस सीट पर जल्द उपचुनाव कराने का आदेश दिया है। जिन 8 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें 6 बीजेपी और 2 एसपी के कब्जे में हैं। इन 8 सीटों के उपचुनाव से यूपी सरकार की महुबंद पर बहुमत पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अगले विधानसभा चुनाव के कुछ संकेत जरूर मिल सकते। चलिए जानते हैं अब कौन सी सीटों पर होना है उपचुनाव। रामपुर की सुआर सीट पर भी उपचुनाव होगा। सुआर से एसपी सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जीते थे। अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जन्मतिथि विवाद में निरस्त कर दी गई थी, जिसके बाद उपचुनाव कराने की नौबत आई है। इसी तरह उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर भी उपचुनाव होगा। यहां से बीजेपी के कुलदीप सिंह सेंगर ने जीत दर्ज की थी, लेकिन दुष्कर्म मामले में उनको उम्र कैद की सजा होने के बाद विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई। अब इस सीट पर भी उपचुनाव कराया जा रहा। वहीं आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद रामपुर की सुआर सीट पर भी उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है कि कब चुनाव कराया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया करते हुए कहा कि रामपुर की सुआर सीट विधानसभा पर उपचुनाव कराने का आदेश जारी कर दिया। जौनपुर के मलहनी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। इस सीट से समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव चुनाव जीते थे, लेकिन लंबी बीमारी के बाद पारसनाथ यादव का निधन हो गया। उनके निधन से ये सीट खाली हुई, जिस पर उपचुनाव कराया जा रहा है। देवरिया सदर और बुलंदशहर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। देवरिया सदर के बीजेपी के जन्मेजय सिंह जीते थे, लेकिन उनके निधन से ये सीट खाली हो गई। बुलंदशहर सीट से वीरेंद्र सिरोही विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन उनके निधन से ये सीट खाली हो गई। अब उपचुनाव होने जा रहा है। कानपुर की घाटमपुर सीट पर भी उपचुनाव प्रस्तावित है। यहां से कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का कोरोना के कारण निधन हो गया था। उनके निधन के बाद खाली पड़ी घाटमपुर सीट पर भी उपचुनाव कराया जाएगा। इसी तरह अमरोहा की नौगाम सीट पर भी उपचुनाव होगा। यहां से कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का भी कोरोना के कारण निधन हो गया था, जिससे ये सीट खाली पड़ी है। अब इन सीटों पर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपने पक्ष में वोटर्स को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने जातिवाद के मुद्दे को हवा दी है। उनका आरोप है कि यूपी में एक खास जाति को निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा बेरोजगारी, कोरोना संक्रमण, कृषि कानून और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी विपक्षी दल चुनाव प्रचार में सरकार को घेर रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनके राज्य में अपराधियों की खैर नहीं है, और जो लोग कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताज़ातरीन खबरों के लिए चैनल